यार मैं हूँ पंडित जेठालाल भट्ट। मैं पंडित होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे को लॉगी की हेल्प करनी है, परंतु मैं उसकी हेल्प कैसे करूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा। मेरे को इसकी दुख नहीं देखी जा रही। लॉगी चुप हो जाओ, मत रो। आखिरकार कोई ऐसी लड़की कैसे कर सकती है पैसों के लिए? सॉरी 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 गुरुजी, आपको गलती से मैं हर्ट कर दिया। तो really मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हारी दुखी, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारे साथ बहुत गंदा हुआ है। कोई पैसे के लिए कैसे कोई लड़का को छोड़ सकता है? तुम्हारा पैसा सारा वो लूट कर चली गई। अब तुम क्या करोगे पुत्र? गुरुजी मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं तो बहुत ही ज्यादा सैड हूं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। पुत्र मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए? ओके बाबा जी बोलो ना क्या है। पुत्र मैं तुम्हें एक यंत्र देता हूँ जिसका के यूज करके तुम्हारे पास बहुत सारी शक्ति आएगी। अगर कोई इंसान तुम्हें मारता है तो तुम्हें थोड़ा भी कष्ट नहीं होगा और तुम मरोगे नहीं। ओके बाबा जी जल्दी तो मेरे को आप ये लो पुत्र, इसका यूज करके तुम अगर ये अपनी इन्वेंटरी में रखोगे इससे क्या होगा ना, तुम्हारे पास ताकत रहेगी, तुम कभी भी मरोगे नहीं। जल्दी जाओ पुत्र। अरे बाबा जी इसे तो मैं चमकने लगा। हाँ पुत्र तुम इसे चमकने लगोगे और जब तक ये चमकेगा तब तक तुम कभी भी नहीं मर सकते। मिरेकल मिरेकल मिरेकल। अभी तो हम लोगों ने देखा कि लॉगी कैसे सुहानी सुहानी यानी कि लॉगी की वाइफ और डाकू मंगल सिंह से कैसे बदला लेने जा रहा है। बट अब हम लोग देखेंगे सुहानी सुहानी मींस लॉगी की वाइफ और डाकू मंगल सिंह दोनों के बीच में क्या क्या हुआ, दोनों के बीच में कैसे अनबन हुई। आइए हम लोग देखते हैं। अरे डाकू मंगल सिंह इतनी रात हो गई है, तुम अभी तो मेरे को छोड़ दो, कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे सुहानी तुम्हें दिख नहीं रहा क्या, मैं तुम्हें कैसे लेकर जा रहा हूँ? अब मैं तुम्हारी सेवा करूंगा बिकॉज तुम ही तो थी रानी जो कि बहुत सारा लूट लेकर आई हो। अच्छा तुम मेरे को अब रानी बनाओगे? वाओ डाकू मंगल सिंह तुम तो बहुत अच्छे हो गए। अब तुम मेरे कैसल में आने का कष्ट करो। ओह माय गॉड यहाँ पर तो बहुत अजीब अजीब जानवर है। ये लोग तुम्हारे सिपाही हैं क्या डाकू मंगल सिंह? हाँ सुहानी वो मेरे सिपाही है। तुम चलो ऊपर चलो। मैं ऊपर तो आ गई, अब क्या करोगे? काम करो, मैं कुछ तो नहीं कर रहा। मैं तुम्हें एक पोशन देता हूँ जिससे कि तुम्हारे बहुत सारा एनर्जी आ जाएगा, ये पी लो फटाफट। अच्छा ये पीना है क्या? ओके ठीक है। अरे मैं पी तो ली परंतु मेरे को चक्कर क्यों आ रहे हैं? हाँ मेरे को चक्कर आ रहे हैं, नींद आ रही है मेरे को, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। वाह अब तो मैं इसे बेहोश कर दिया हूँ, अब आराम से मैं इसे लूटूंगा और इसे छोड़ दूंगा ऐसे जंगल में। सारे आमलेट मैं इसकी इन्वेंटरी से ले लेता हूँ। आखिरकार बहुत ढूंढने के बाद लॉगी को मिल जाता है डाकू मंगल सिंह का कैसल और वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है और बहुत सारे इंचैनमेंट्स पहनकर आ जाता है लड़ने के लिए मैदान में। आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ना ही अपनी बीवी को यानी कि सुहानी और उस डाकू मंगल सिंह को, दोनों मिलकर मेरे पैसे सारे लूट लिए। आज मैं उन्हें लूट लूंगा, इस कैसल को बर्बाद कर दूंगा। ये टूट पुंजो मेरे को मारेंगे? हाँ ये टूट पुंजो, शक्ल देखिए अपनी, एक हथौड़ा मार रहा हूँ तो सब मर जा रहे। आखिरकार मेरे पास सोने के कपड़े, कोई मेरे को हाथ भी नहीं लगा सकता। आखिरकार वो डाकू मंगल सिंह छुप कर कहाँ बैठा है? और वो सुहानी लड़की जो कि मेरे को सात जन्म का वादा करी थी, मैं तो आज किसी को नहीं छोड़ने वाला। अब टाइम आ गया है जब सुहानी को पता चलेगा कि डाकू मंगल सिंह उसे धोखा दे रहा था तो सुहानी के साथ क्या बीतेगा। उफ, मेरे सर इतने दुख क्यों रहे? मैं क्या करूं? डाकू मंगल सिंह कल रात में क्या हुआ था? मेरे सर इतने क्यों दुख रहे? तुमने क्या मेरे को पिलाया था? मेरा सर बहुत ज्यादा दुख रहा है, क्या किया तुम मेरे साथ? डाकू मंगल सिंह मेरे एमरल्ड किधर है? डाकू मंगल सिंह तुमने मेरा सारा एमरल्ड चोरी कर लिया। तुम मेरे जाल में फंस गई मिस सुहानी, अब तुम्हारे को तुम्हारा एमरल्ड नहीं मिलेगा। सारा पैसा मेरे पास, सारे हीरे मेरे पास, सारे जेवरात मेरे पास, तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं, तुम्हारे पास है ठेंगा। धमकी किसी और को देना मिस सुहानी, तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना ही तुम्हारे पास घर है। अभी तुम मेरे कब्जे में हो, जहाँ लेकर जा रहा हो चुपचाप से चलो।
बट तुमने तो डील किया था ना 50-50 कर लेंगे हम लोग, बट तुम सारा क्यों रख लिए? वो सब प्रश्न मेरे से मत पूछो, जहाँ लेकर जा रहा हूँ चुपचाप से चलो, बिकॉज अब तुम्हें सिर्फ रहने के लिए घर चाहिए, ना ही तुम्हारे पास पैसा है ना ही तुम्हारे पास कुछ है। सुनो बात तुम भूत से करना है, ठीक है? चुपचाप से अभी जहां लेकर जा रहा हूं चुपचाप से चलो। Three hours later. अब से तुम यही रुकोगी और ये मेरा है पुत्र, इस पुत्र से तुम शादी करो और इस पुत्र के साथ रहो। क्या क्या तुम बोल रहे हो? मैं तुम्हारे पुत्र से क्यों साथ रहूंगी और इसे शादी करूंगी? जाना पड़ेगा कैसल में, वहाँ पे आई नो पैसा लेने तो आएगा लॉगी, और लॉगी को मैं समझाऊंगी, मैं उसे माफी मांग लूंगी और उसी के साथ मैं फिर से रहूंगी। उसके साथ मैं बिहार अचाई हूँ यार, तो उसके साथ मैं व्यतीत करूँगी अपनी पूरी लाइफ, मेरे को उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मेरे को सजा मत दो भगवान जी, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। अब मैं जा रही हूँ कैसल फटाफट से। Two weeks later. फाइनली यार मैं पहुंच गई, ये तो लॉगी का घोड़ा है, थिंक सो लॉगी अंदर है, मेरे को फटाफट से अंदर जाना पड़ेगा। लॉगी लॉगी सुनो, लॉगी मेरे को माफ कर दो, लॉगी सुनो मेरी बात सुनो, तब मेरे को मारना प्लीज। दुष्ट तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मेरे साथ तुम 7 जन्म का वादा निभाई थी, बट एक दिन भी तुम मेरे साथ नहीं रुकी। कैसे लड़की हो तुम, कैसे इंसान हो, पैसे पे कैसे मर सकती हो? कोई लड़की ऐसे कैसे कर सकती है? मैं देखता हूँ आखिरकार तुमने 7 जन का वादा निभाया था। Two thousand years later. यार लॉगी जल्दी 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 मारो इसे, जल्दी 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 तुम कर सकते हो। Finally शुहानी मैं जीत गया। क्योंकि पंडित जी ने मेरे को एक यंत्र दिया था जिसे मैं मर कभी नहीं सकता। ओह वाओ, कौन है कौन है कौन? तुम लोगों को क्या लगा, तुम लोग मेरे को मार दिए तो मैं मर गया? नहीं, मैं जिंदा हूँ अभी भी, मेरी आत्मा भटकने वाली है और तुम लोगों को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मेरी आत्मा भटक भटक के तुम लोगों को तंग करेगी और तुम लोगों को गरीब बना देगी। बहुत अमीर थे ना लॉगी, हाँ, और सुहानी तुम इसके साथ अब रहोगी ना, रहो इसके साथ और हाँ गरीब हो जाओगी। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। भागो सुहानी जल्दी, मैं तुम्हें माफ कर दिया, जल्दी वो सुहानी जल्दी भागो, इससे पीछे छोड़ाना पड़ेगा, ये हमारे हेल्पर साथ रहेगा हर पल यार। आर यू लॉगी, मुझे तुमसे बहुत सारी माफी मांग रही यार, ये पोषण तेरा पीछे से मारे जा रहा है। सो गाइस मैं सोच रही हूं नेक्स्ट एपिसोड में डाकू मंगल सिंह हम लोगों से बदला लेने आएगा ही आएगा, तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे एटलीस्ट गाइड 1.5K की लाइक्स कंप्लीट करा देना। मैं इसका एपिसोड 3 ले आऊंगी जिसमें डाकू मंगल से बदला लेगा, और वो बदला ले पाएगा या फिर नहीं पाएगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर प्रेस कर देना। लाइक करो गाइस, लाइक करोगे मोटिवेट मिलेगा, फटाफट से वीडियो आएगी।